अब नुपुर शर्मा के विवाद में कूदी कंगना रनौत। आखिर क्यों बोला ये भारत है अफगानिस्तान नहीं? क्या है पूरी खबर बताते हैं आपको। मैं मानसी भटनागर और आप देख रहे हैं रिकॉल न्यूज। मुस्लिम धर्मगुरु पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ टिप्पणी के बाद निलंबित भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता नुपुर शर्मा विवादों में हैं। नुपुर अपने बयान के बाद चौतरफा आलोचना का सामना कर रही हैं। इतना ही नहीं, महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक उनके खिलाफ एफआईआर तक दर्ज हो चुकी है। वहीं अब नुपुर शर्मा के इस पूरे विवाद में बॉलीवुड की पंगा गर्ल यानी कि कंगना रनौत कूद पड़ी हैं। कंगना ने एक बयान जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि नुपुर को टारगेट किया जा रहा है। दरअसल कंगना रनौत ने इंस्टाग्राम की स्टोरी पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट शेयर किया है जिसमें उन्होंने लिखा, नुपुर को अपनी बात सबके सामने रखने का पूरा हक है, लेकिन इसके लिए उन्हें धमकी मिल रही है। सबने उन्हें अपना टारगेट बना लिया है। जब हिंदू भगवानों का अपमान किया जाता है तो हम न्याय के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं, और यह सबके लिए होना चाहिए। आप अपने आप को डॉन समझने की कोशिश ना करें। इसके आगे कंगना ने लिखा, ये अफगानिस्तान नहीं भारत है, यहाँ सब कुछ एकदम सिस्टम के साथ होता है। यहाँ एक अच्छी सरकार है जिसे लोकतंत्र की प्रक्रिया के तहत किया गया है। ये बातें उन लोगों के लिए हैं जो इस बात को भूल गए हैं। कंगना का यह पोस्ट अब तक सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। दिल्ली पुलिस ने नुपुर शर्मा व उनके परिवार को जान से मारने की धमकी मिलने के बाद सुरक्षा की उपलब्धि करा दी गई है। नुपुर शर्मा ने 28 मई को साइबर सेल में शिकायत दर्ज की थी। महाराष्ट्र पुलिस ने नुपुर शर्मा को पूछताछ के लिए बुलवाया था। थाने में उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने संबंधित चैनल से विवादित बयान का वीडियो फुटेज भी मांगा है। नुपुर की टिप्पणी के बाद देश के साथ ही विदेशों में भी खलबली मची हुई है। बता दें कि नुपुर शर्मा ने एक टीवी डिबेट के दौरान मुस्लिम धर्म गुरु पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी दी थी। इस बयान के बाद देश भर में मुस्लिम लोगों ने नुपुर शर्मा के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया है, तो वहीं बीजेपी ने भी नुपुर शर्मा को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। इतना ही नहीं, नुपुर की अपमानजनक टिप्पणी के बाद मुस्लिम देशों ने भी उनका विरोध किया है। कुवैत, कतर और ईरान जैसे कई देशों ने नुपुर शर्मा के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया भी दी है, जिसके बाद बीजेपी की तरफ से एक बयान जारी किया गया है जिसमें उन्होंने सभी धर्मों के सम्मान की बात कही है। मोहम्मद पैगंबर के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के बाद कंगना रनौत का इस तरह नुपुर शर्मा का साथ देना क्या सही है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं आपसे अगली खबर में कल से कल तक।